19 अप्रैल की बिकवाली के बाद निफ्टी में 20 अप्रैल को गैप अप ओपनिंग देखने को मिली और ये पूरे दिन 17,050 के ऊपर बना रहा। इसमें 1% की तेजी के दायरे में कारोबार होता रहा। बेंचमार्क इंडेक्स अपने पिछले दिन के कैंडल रेंज के बीच कारोबार करता रहा और इसने डेली टाइम फ्रेम पर एक बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया और कारोबार के अंत में लगभग 1% की बढ़त के साथ 17,100 के ऊपर बंद हुआ। लेकिन कल के कारोबार में निफ्टी 18 अप्रैल की गैप डाउन ओपनिंग के बाद अपने 2150 और 100 डे EMA के नीचे बंद हुआ। निफ्टी इन स्तरों के नीचे ही बना हुआ है जो इनमें नेगेटिव ट्रेंड बने रहने की ओर संकेत कर रहा है, क्योंकि निफ्टी ने डेली चार्ट पर एक बुलिश हरामी कैटलिस्टिक पैटर्न बना लिया है, इसलिए वर्तमान लेवल में इसमें एकाएक किसी बाउंस बैक की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। निफ्टी के लिए 16,950 के स्तर पर इमीडिएट सपोर्ट है, वहीं ऊपर की तरफ 17,400 पर रेजिस्टेंस दिख रहा है। आइए हम आपको ऐसे दो शॉर्ट टर्म पिक्स बताएं जिनमें 2 से 3 हफ्ते में हो सकती है जोरदार कमाई। ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी। इस कंपनी में 1340 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 1486 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी की सलाह है। 2 से 3 हफ्ते में इस स्टॉक में 9% रिटर्न मिल सकता है। हिंदुस्तान यूनिलीवर में 2078 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ और 2305 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी की सलाह है। 2 से 3 हफ्ते में इस स्टॉक में 6.50% का रिटर्न मिल सकता है। बताने कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट के अपने निजी विचार होते हैं, वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें। मार्केट की इनसाइड खबरों के लिए बने रहिए मनी कंट्रोल हिंदी के साथ।